नमस्कार भक्तों, साधकों, मित्रों, आज मैं अपने चैनल पर दोबारा फिर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उल्लू सिद्धि के बारे में बताऊंगा आपको कि उल्लू कैसे सिद्ध किया जाता है, क्योंकि उल्लू एक बहुत ही विचित्र प्राणी है और उल्लू में बहुत सी अपार शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। उल्लू के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। यदि एक क्रिया होती है जो कि लंबी प्रक्रिया है, वेदोक्त प्रक्रिया है, अभी हम उसको उजागर नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हमको कई वीडियो बनाना पड़ेगा, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। वो ऐसी एक प्रक्रिया है, ऐसा एक विधान है, वेदोक्त विधान है मेरे पास, कि उस विधान को करने के बाद में यदि कोई उल्लू पकड़ा जाए, पकड़ करके जिसके पैर में खार निकला हो और उसके ऊपर वह क्रिया की जाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा से वहाँ पर पैसे की बारिश होती है। यह क्रिया मैं आपको आगे बताऊंगा धीरे धीरे, अभी तो फिलहाल जानकारी के लिए इतना ही आप लोग जानिए। चलिए आज मैं आपको उल्लू सिद्धि के बारे में बताता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, इसको 108 बार जप करके सिद्ध कर लें। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र को 108 बार पढ़ करके सिद्ध कर लीजिए। ये तांत्रिक मंत्र है, साबर मंत्र है, ये 108 बार में ही सिद्ध हो जाता है। अब आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पुनः इस मंत्र को पढ़ते हुए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को एक उल्लू पकड़ें। जो मंत्र मैंने बताया है उस मंत्र को जपते हुए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को एक आप उल्लू पकड़ें। इसे पकड़कर एकांत स्थान में कहीं बैठ जाएं, जहां पर किसी का आना जाना ना हो, आप ही हों, कोई टोका टाकी ना करे, और कांसे के पात्र में उल्लू को रख दें। कांसे का बर्तन बाजार में मिलता है, कांसा, कांसे के बर्तन में उल्लू को आप रख दें। और जो मंत्र हमने बताया था उस मंत्र का जप करते हुए उस उल्लू की चार परिक्रमाएँ लगाएँ, अर्थात इस उल्लू के चारों तरफ गोलाई से चार चक्कर लगाएं। इसके बाद सावधान होकर दाहिने हाथ से उल्लू को पुनः उठा लें। इस प्रकार करने से उल्लू सिद्ध हो जाता है। पुनः दोबारा फिर इसको कांसे के पात्र में रख दें तथा इसकी पूजा करें। पूजा आप पंचोपचार से भी कर सकते हो, षोडशोपचार से भी कर सकते हो। आप जब कांसे के पात्र में उल्लू को स्थापित करके पूजन करेंगे तो उसके आँखों से आंसू गिरेंगे। जब आप पूजा करने लगोगे तो उसकी आंख से आंसू गिरेंगे और उन आंसुओं को बर्तन में एकत्र कर लें। अब आप शुद्ध गाय का गोरोचन लाएं, इसे गाय के घी में मिला करके आंसुओं वाले बर्तन में डाल दें। इसे अच्छी तरह मिलाने के लिए अंगुली से मथें। इस प्रकार एक नायाब तांत्रिक वस्तु का निर्माण हो जाता है। साधकों, ये जो वस्तु का निर्माण हुआ है, जो वस्तु आपने आंसुओं से और गोरोचन से और शुद्ध गाय के घी से जो चीज़ बनाई है, यह एक नायाब तांत्रिक वस्तु है। ये ऐसी वस्तु है जिसको बनाने में भाग ही जो भाग्यशाली हो वही बना सकता है इसको। इसका प्रयोग अदृश्य होने के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग अदृश्य होने के लिए, आदमी गायब हो जाए उसके लिए किया जा सकता है। आप जब भी अदृश्य होना चाहते हो तो इस सामग्री को जो आपने बनाया है, गोरोचन, गाय का घी और उल्लू के आंसुओं से, अपने आंख में काजल की भांति लगा लें। ऐसा करते ही आप अदृश्य हो जाएंगे, आप किसी को दिखाई नहीं पड़ेंगे परंतु आप सबको देख सकेंगे। जब आप अदृश्य शक्ति से बाहर आना चाहो, अर्थात जब आप चाहो कि आप सब लोगों को देख सको, आपको सब लोग देख सके, तो गाय का ताज़ा मूत्र लेकर के अपनी आँखें धो लें। इस प्रकार आप पुनः अपनी वही स्थिति में आ जाएंगे कि आपको सब लोग देख सकेंगे। ये एक बहुत विचित्र प्रयोग है साधकों, लेकिन ये भाग्यशाली लोग ही कर सकते हैं क्योंकि इसमें मेहनत है, परिश्रम है, और एक दैव योग से यदि कोई साधना संपन्न कर ले तो फिर वो अदृश्य हो सकता है। लेकिन अदृश्य होकर के दुरुपयोग ना करें, केवल एक जानकारी के लिए इसको मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। जय महाकाल दोस्तों।